इन दिनों कुछ स्टूडेंट सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि IIT BHU के छात्र हैं। आखिर ये स्टूडेंट सड़कों पर क्यों उतर आए हैं, आइए आज इस वीडियो की मदद से जानते हैं। ये घटना है नवंबर 1 और नवंबर 2 की, जब हमारे देश में वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। उसी रात IIT BHU की एक लड़की हॉस्टल से बाहर निकली हुई थी टहलने के लिए, वो भी रात के करीब 1 बजे। आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को खाने के बाद टहलने निकलते हैं, और ये कॉमन बात है। कोई भी इंसान खाने के बाद टहलना पसंद करता ही है, और कॉलेजों का बात तो कुछ अलग ही होता है क्योंकि यहाँ सेफ भी होता है। इसी कारण लड़कियां भी रात को टहलने के लिए निकल जाती है ताकि उनका माइंड पढ़ाई के साथ साथ फ्रेश भी रहे। जब IIT की ये लड़की रात को कॉलेज कैंपस में टहल रही थी, तभी उनके साथ एक मेल फ्रेंड भी ज्वाइन कर लेता है, और दोनों कैंपस के अंदर ही नॉर्मली वर्क करने लग जाते हैं। अब IIT BHU के कैंपस में एक जगह है जहाँ पर एक मंदिर है, और उसका नाम फरमान वीर बाबा मंदिर है। जब रात को दोनों वक्त करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तभी वहां पर 3 लड़के आते हैं और उन दोनों को रोक लेते हैं। पहले तो तीनों लड़के मेल फ्रेंड से बदतमीजी करते हैं और डरा धमकाकर वहां से उनको भगा देते हैं। फिर लड़की का मुंह को दबाकर उसे साइड ले जाते हैं और छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। वे लड़की के साथ बेड टचिंग, किसिंग और फोटो क्लिक भी करते हैं। जब लड़की शोर करने लगती है तो वे लोग उसे मारने का भी धमकी देते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास गन भी था। ये वारदात लड़की के साथ करीब 20 से 30 मिनट चलती है। उसके बाद लड़की किसी तरह से वहाँ से भाग निकलती है। भागते भागते वो लड़की सामने के एक प्रोफेसर के घर पहुंच जाती है और घटना के सारे वारदात को बताती है। लगभग 20 मिनट बताने के बाद लड़की को अपने हॉस्टल ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद ये लड़की पूरे इंसिडेंट को अपने दोस्तों को बताती है, और उसके बाद हॉस्टल के छात्रों द्वारा पेट्रोलिंग गार्ड को भी कंप्लेन की जाती है। सबको शोक में लाने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट के पहले वाले दिन भी ऐसा ही और एक घटना हुआ था, और जगह भी सेम था। छात्र दिन पर दिन ऐसी घटनाओं से परेशान होकर कॉलेज के एडमिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उस कॉलेज के छात्रों का कुछ डिमांड भी था जो कॉलेज का एडमिन इस चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था, और इसी वजह से नेक्स्ट डे से काफी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं एडमिन के खिलाफ। अब 30 दिसंबर को पुलिस द्वारा तीनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया जाता है, और बताया जा रहा है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं वे BJP के ITCL से जुड़े हुए हैं। इसकी बात हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये राजनीतिक में चला जाएगा। मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ इसे राजनीतिक में ना लेकर अपराधियों को कड़ी सजा दिया जाए ताकि कोई भी अपराधी वो ऐसा करने को ना सोचे। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।